Hi friends, this is Varamant and we are going to discuss about some basic concepts of genetics. Actually, this is a series of lectures in which we discuss about different topics of genetics, including both the classical genetics as well as the modern genetics. Okay, now we move toward our first lecture in which we discuss about some basic concepts of genetics, some basic definitions and discipline of genetics. First of all, we discuss about what is genetics. Genetics, basically, it is the study of genes, variations and heredity in the living organisms. Genes are the characters or genes, a portion of DNA, which are basically responsible for transmission of hereditary characters or properties. Variations mean the difference among different living organisms. A hereditary means the ability of or the property of living organisms to transmit their characters into their offspring or next generation. And in genetics, we are going to discuss about all of these things. Another definition about the genetics is that it is the branch of biology which concerns with the study of gene genetic variation and heredity in living organisms. Same way, it is mean. इसमें हम लोग genes के बारे में, genetic variations के बारे में और heredity of living organisms के बारे में study करेंगे. Next is the सब डिसिप्लिन ऑफ जेनेटिक्स. अगर जेनेटिक्स की बात की जाए, जेनेटिक्स को कुछ रिसर्चर तो इसको चार ही कैटेगरीज में डिवाइड किया करते थे, जिसमें हमारे पास मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स एंड सिमिलरली द मॉडर्न जेनेटिक्स शामिल हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स हैं वो जेनेटिक्स को इन सात आठ डिसिप्लिन में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन ये थी मेंडेलियन जेनेटिक्स. मंडेलियन जेनेटिक्स बेसिकली डील करती है जीनोमिक इनहेरिटेंस के ऊपर, मीन करेक्टर्स किस तरह इनहेरिट हुए, इनहेरिट पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में किस तरह अब जो है हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट हुए. सिमिलरली ये एलील्स के सेग्रीगेशन के ऊपर, उनके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर, इसी तरह डोमिनेंट रिलेशंस के ऊपर, इस तरह के जितने भी जो हमारे पास फिनोमेना हैं जेनेटिक्स में, उसको मंडेलियन जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं. बेसिकली हमारे पास ये जेनेटिक्स की जो फील्ड है मंडेलियन जेनेटिक्स, ये कंसर्न करती है मेंडल के वर्क से रिलेटेड है. सेकेंड वी मूव टूवर्ड दी साइटोजेनेटिक्स. एज वी ऑल नाउ दैट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डीएनए इज प्रेजेंट इन थ्री साइट ऑफ ए सेल. फर्स्ट साइट इज दी न्यूक्लियस विच इज नाउन एज दी न्यूक्लियर डीएनए. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट साइट इज दी साइटोप्लाज्म. एंड इफ यू सी इन साइटोप्लाज्म डीएनए इज फर्दर प्रेजेंट इन थ्री इम्पॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट वन इज दी माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नाउन एज दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. सेकेंड वन इज दी क्लोरोप्लास्ट विच इज नाउन एज दी क्लोरोप्लास्ट डीएनए. एंड थर्ड वन इज दी प्लाज्मिड्स ऑफ द बैक्टीरिया. All of these DNA, these three DNA molecules which are present in cytoplasm are known as the cytoplasmic DNA, and the study of such types of DNA is known or carried out under a specific branch of genetics जिसको हम बोलते हैं cytogenetics. Mean ऐसी genetic के branch जिसमें हम mitochondrial DNA, क्लोरोप्लास्ट डीएनए एज वेल एज दी प्लाज्मिड के अंदर पाए जाने वाले डीएनए, उनके ट्रांसमिशन, उनके रिकम्बिनेशन, उनके क्रॉसिंग ओवर और उनका इसी तरह उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं. दिस ब्रांच इज नाउन एज दी साइटोजेनेटिक्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच इज दी मालिक्यूलर जेनेटिक्स. मालिक्यूलर मीन a study of DNA and RNA, which are the basic molecules of genetics at molecular level. जब हम DNA की, RNA की, proteins की molecular level पे जाके study करते हैं, उस process को हम molecular genetics कहते हैं. Basically ये जो branch of genetics की, ये concern करती है
जीन रेगुलेशन के साथ, जीन ट्रांसक्रिप्शन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, और डीएनए के अंदर होने वाले म्यूटेशन, स्पेसिफिकली जो हमारे पार्ट म्यूटेशन वगैरह हैं उनके साथ ये जो है हमारे पास ये कंसर्न करती है। क्वालिटेटिव जेनेटिक्स, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स पे जेनेटिक्स की एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच है वो है। क्वालिटेटिव जेनेटिक्स में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स का, एनवायरनमेंट का जेनेटिक्स के ऊपर, इसी तरह हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और करेक्टर्स को जो कि हमारे पास विद इन पॉपुलेशन लाई करते हैं, उन सब को हम बेसिकली क्वालिटेटिव जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली हमारे पास एक कंबिनेशन है कंप्यूटर का और जेनेटिक्स का। इस ब्रांच में जेनेटिक्स की इस ब्रांच में हम लोग कंप्यूटर की एप्लीकेशन को यूज़ करके जेनेटिक्स के जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए के ऊपर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका एनालिसिस करना, जिसका हम सिक्वेंसिंग भी करते हैं, उसके लिए हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, कौन से अमीनो एसिड्स मिलके कौन से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको एनालाइज करने के लिए भी हमारे पास क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ किया जाता है। क्वालिटेटिव जेनेटिक्स की बात की जाए तो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स में हम उन करेक्टर्स को भी देखते हैं जिनको एक जीन से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। मीन कि मल्टीपल जो हमारे पास एलील्स हैं या मल्टीपल ऐसे करेक्टर जिनको मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं उनको हम क्वालिटेटिव जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास आई कलर है, स्किन कलर है, ये ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको एक से ज़्यादा जीन जो है वो कंट्रोल करता है, उसको हम क्वालिटेटिव जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। फंक्शनल जेनेटिक्स में हम बेसिकली डीएनए या फिर जीनोमिक्स में हम देखें तो इसमें हम डीएनए का एक्सप्रेशन को देखते हैं। डीएनए का एक्सप्रेशन हमारे पास अगर देखा जाए, जब भी डीएनए ने खुद को एक्सप्रेस करना है, कोई काम करना है, तो हमारे पास डीएनए का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होगा। डीएनए बनेगा, डीएनए का मॉलिक्यूल है ये हमारे पास, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक हो गया। इसमें खुद को एक्सप्रेस करना है, कोई भी हम इसमें काम करना है, तो ये हमेशा हमारे पास क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए हमारे पास आरएनए बनाएगा, आरएनए का मॉलिक्यूल जिसको जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी करते हैं। और मैसेंजर आरएनए क्या है, फर्दर हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बनाएगा, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये जाके आगे कोई फंक्शन करेगी। अब कौन सा डीएनए का जो पोर्शन है या फिर जीन्स हैं वो कौन सा प्रोटीन बना रहे हैं, ये हम जो स्टडी करते हैं फंक्शनल जीनोमिक्स में। और फर्दर हम देखा करते हैं कि कौन सी प्रोटीन कौन से काम कर रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। स्ट्रक्चर जेनेटिक्स में हम बेसिकली ये हमारे पास लिंक करती है डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स या म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं ऑफ स्प्रिंग में, उसको हम जो इस चीज़ में स्टडी करते हैं। सिमिलरली क्लोनिंग और जीन लिंकिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी ब्रांच में स्टडी की जाती हैं स्ट्रक्चर जेनेटिक्स में। एवोल्यूशनरी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बेसिकली एक पॉपुलेशन के जीन्स को, उस पॉपुलेशन के अंदर जीन्स के एक्सप्रेशन, डिजीजेस को, सडन चेंजेस को आ रही हैं, माइग्रेशन की वजह से कोई चेंजेस आ रही हैं, या पॉपुलेशन के अंदर जो अडाप्टेशंस हो रही हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसको स्टडी किया जाता है एवोल्यूशनरी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म खुद को अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, और उसके पीछे हमारे पास जीन्स का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। और इसी ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी किया करते हैं हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व इट सेल्फ फ्रॉम ए प्रिमिटिव स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज दिस सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सेंट्रल डॉगमा बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए खुद को क्या करता है, जब इसने एक्सप्रेस करना होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है, आरएनए भी मैसेंजर आरएनए ही बनाता है, और उसके बाद ट्रांसलेशन के दौरान ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है। बेसिकली जब भी डीएनए ने खुद को एक्सप्रेस करना होता है
तो वो किसके जरिए? प्रोटीन के जरिए एक्सप्रेस करता है, लेकिन डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए पहले जो है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन जाके कोई आगे काम करेगा, चाहे वो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन हो, फंक्शनल प्रोटीन हो, एंजाइमेटिक प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन हो, वो आके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को या इस पूरी सीरीज़ को, जिसमें डीएनए आरएनए एंड देन प्रोटीन एंड देन ए फंक्शन, इस चीज़ को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के कुछ स्टेप्स की बात की जाए, पहला इसका स्टेप है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो स्टेप है जिसमें डीएनए का मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या मैसेंजर आरएनए बना देता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो लाई करता है विद इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस टेक प्लेस होगा। अब जैसे ही मैसेंजर आरएनए बन गया, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए वहाँ से बाहर निकल आएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसके क्या होगा, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसलोकेशन में हमारे पास सबसे पहले इसको जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, इसको थाम लेंगे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एक हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाएगा। और प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए इसको थाम लेंगे, सॉरी, और एक हमारे पास क्या है, एक इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। अब इस इनिशिएशन कम्प्लेक्स के बनने के बाद हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आते हैं, जो मैसेंजर जो के डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसी मैसेंजर आरएनए के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, अमीनो एसिड को यहाँ पे जोड़ते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, और इस तरह हमारे पास एक नई प्रोटीन बन जाती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दी ट्रांसलोकेशन अकर विद इन न्यूक्लियस, वाई दी ट्रांसलेशन अकर विद इन द साइटोप्लाज्म। दिस और प्रोसेस इज नाउन एज दी सेंट्रल डॉग्मा। दिस इज अवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स। आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज गिव मी योर कॉमेंट्स, एंड एज वेल एज यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज रिलेटेड टू जेनेटिक्स एंड अदर फील्ड्स ऑफ जुअलॉजी।